नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी और आपका स्वागत है आपके अपने रेसिपी क्रिएशन हिंदी में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 7 हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया ली है और थोड़ी सी हरी धनिया भी ली है और 10 से 11 लहसुन लिए है और 1/2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और साथ ही 1 बड़ा चम्मच मूँगफली ली है और 1 छोटे साइज का प्याज लिया है। अब हम इन सब को रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सब को लगभग 1 से 2 चम्मच तेल में इन सब को फ्राई किया है। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसकी पेस्ट बना ली है। तो गैस पर मैंने 1 पैन रखा है। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा इसमें हम लगभग 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा मैंने लगभग 1 चम्मच ऐड किया है। हमारा जीरा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर मैंने पहले से ही कट करके और 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ करके रखा था। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए है, हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 से 2 मिनट भी हो चुके और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा गाजर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम जो पीसे हुए मसाले थे वो सारे के सारे इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें लगभग 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगभग 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे गाजर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से बन चुका है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सुपर टेस्टी गाजर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।